चंडीगढ़ में आज सुबह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल, अध्यक्ष प्रदीप छावड़ा सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर सेक्टर 35 कांग्रेस भवन से सेक्टर 34 की मार्केट तक पद यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता राहुल तिवारी ने इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की। कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो आगे बढ़ती बढ़ते पार्टी यानी कि पूरी आज़ादी की लड़ाई देश की इन्होंने लड़ी और आज़ादी हासिल की, और आज़ादी हासिल करने के साथ उसके बाद जो संविधान बनाया गया हिंदुस्तान का, कि आने वाले हिंदुस्तान की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह हिंदुस्तान का संचालन होगा, उसमें सबसे ज़्यादा बल, वैसे तो बहुत एक विस्तार पूर्वक हमारा संविधान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि बहुलवादी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हिंदुस्तान की होगी, जिसमें सभी धर्मों के लिए एक बराबर की जगह होगी और एक सेकुलर देश, ये धर्म निरपेक्ष देश बनेगा। सभी कोई धर्म के नाम पे देश में काम नहीं होगा, कोई एक धर्म का देश नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। उस पर हुआ, आज उस पर प्रहार हो रहा है, इसलिए ये इसका एक अहमियत 28 दिसंबर की और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि हम कांग्रेस दिवस तो मनाते हैं। आज के दिन ये फैसला हुआ है, कांग्रेस ने किया है कि इसको संविधान बचाओ देश बचाओ भी साथ साथ इसको बतौर इस तरफ देश मनाना है। देखिए 1885 के बाद आज एक फिर बार देश को ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी की देशवासियों को ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आज देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरह देश में माहौल जैसा बना हुआ है, उसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल है, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज का दिन जो है स्थापना दिवस अपना वो सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया के रूप में मना रही है। सब जगह पूरे देश में पदयात्रा हो रही है, हमारे बड़े सीनियर नेता सब जगह पर यात्रा कर रहे हैं, तो इसको लेके आज का जो स्थापना दिवस के ऊपर जहाँ मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ ये उम्मीद करता हूँ हर कांग्रेसजन से कि वो अपनी ड्यूटी समझते हुए कि इस देश की आज़ादी को अगर बरकरार रखना है, इस देश में भाईचारा बरकरार रखना है, इस देश में शांति और अमन बरकरार रखना है, तो स्थापना दिवस का तभी हमारा सार्थक होगा जब हम लोगों तक पहुँच कर अपनी बात रख सकेंगे। तो NCR और NRC इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये सारे अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, सरकार ने सबको धोखे में रखा हुआ है, कभी कोई मोदी जी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमित शाह कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके दूसरे नेता कुछ और बोले जा रहे हैं, कोई CAA पे कुछ और बोले जा रहा है, और कोई कहता है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई कहते अभी ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ों को लेकर अभी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए देश में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में एक भय का वातावरण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का जो स्थापना दिवस है कांग्रेस का बहुत अहम है, कि 1885 में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने की थी, जिन्होंने शहादतें दी है, तो आज फिर एक बार वही समय आ गया कि इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को ही आगे आना होगा। ये आज हमारा जो कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, उसके ऊपर हमारा जो आज का मुख्य लक्ष्य है वो अपने संविधान को बचाना है। हमारे संविधान को जिस तरीके से लथाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से किसी और देश का संविधान कभी भी ऐसे रास्तों पे नहीं आया, लेकिन आज हम लोग सब प्रस्तावना लेके प्रियम्बल को हाथ में लेके घूम रहे हैं, ऐसा दिन क्यों देखने को मिला? मैं कहती हूँ संविधान की प्रस्तावना से लेके प्रियम्बल से लेके आर्टिकल लास्ट आर्टिकल तक कभी भी इन लोगों ने उसको अपमान ही दिया है और कुछ नहीं दिया। मुझे ये बताइए, अगर आप 370 की बात करते हो तो क्या आपके पास आर्टिकल 19, 20, 21 नहीं है? वो हमारे राइट्स हैं, राइट्स के साथ ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ हर नागरिक निभा रहा है। जब धर्मनिरपेक्षता का पहला वर्ड हमारा संविधान देता है, तो फिर ये CAA और NRC ये क्यों? हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, हम किसी भी हालत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैं सरकार से यही कहूँगी कि आप लोग इन जितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है इनका, उतने दिनों से ही हमारे देश का क्या बुरा हाल हो गया है, सिर्फ एक ही मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे भटकाने का काम है और कुछ नहीं है। मैं यही सरकार से कहूँगी कि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी इस चीज़ को वापस कर लीजिए, संविधान का पूरा आदर सत्कार करें, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर सरकार अगर नहीं मतलब हटती अपने, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब इस रास्ते पे आए वापस ले इसको, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए संविधान को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो कोई और सरकार है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये देशव्यापी आंदोलन जो है वो और उग्र रूप लेगा। पहले तो मैं सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का संविधान
जो सब सर्वोपरि है हमारी पार्टी के संविधान के अंदर, हर मजहब हर जाति के लोगों का उतना ही आदर सम्मान है जितना हम सभी धर्मों के लोगों का आदर सम्मान करते हैं। अब आपने दूसरा पूछा कि NRC के बारे में और जो ये जो कानून लेके आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके बारे में मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा, ये कानून सीधा सीधा हमारे संविधान के उलट है, हमारे प्रियम्बल के बिल्कुल उलट है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा एक, अगर आप पिछले पुरातन काल में जाएंगे तो अतिथि देवो भव, ठीक है, कि हमारे देश में या हमारे परिवार में कोई भी आए सबका स्वागत है, तो एक धर्म के लोगों को हम पीछे क्यों छोड़ें, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। तो यहाँ पर जहाँ पर जो भी आता है वो हमारा अतिथि है, लेकिन इस पार्टी ने एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर उसके ऊपर बैन लगाया है, उसका हम विरोध करते हैं। और मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये जो संविधान, ये जो कानून लेकर आ रहे हैं, ये हमारे संविधान इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। अगर आप हमारा संविधान पढ़ेंगे, वहाँ कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग कभी हुआ ही नहीं है। आज इस सरकार को जहाँ बेरोजगारों के रोज़गार की बात करनी चाहिए, जो देश में रेप के मामले बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, किसानों की आत्महत्या की बात करनी चाहिए और गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए, वो ध्यान बटाने के लिए सिर्फ ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उधर रहे और लोग अपनी बात ना कह सकें। मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती हैं, इस कानून को हटाने के लिए, इसको बंद करवाने के लिए, इसको वापस करवाने के लिए जितना हो सकेगा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर और हर जगह जेल भरेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन हम इस कानून को देश भर में लागू नहीं होने देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।